नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जयपुर जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के जगतपुरा स्थित लाजपत नगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व 13 महीने के बेटे के चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी एक कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मकान मालिक ने कमरे में खून से सनी मां बेटे की लाश और कमरे में फंदे पर लटके पति को देखा, तब पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक गिरिराज प्रसाद मीना यहाँ कमरा किराए पर ले रखा था। वे अपनी पत्नी समिता के साथ रहते थे। दंपति के 13 माह का बेटा कुणाल भी था। मृतक गिरिराज केंद्रीय विद्यालय में टीचर था, उसकी पोस्टिंग बूंदी में थी। वहीं गिरिराज की पत्नी समिता जयपुर में झलाना स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में टीचर थी। गिरिराज छुट्टियों में जयपुर आ जाता था। समिता के साथ घर में छोटी बहन श्वेता रहती थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई है। कोरोना के मामले 12 दिन में ही 2.5 गुना हो चुके हैं। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू कम लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू कम लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है। 3 मई के बाद 2 लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में 18 मई तक मौजूदा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नियमित कोरोना समीक्षा बैठकों में कोर ग्रुप में शामिल अफसरों ने कर्फ्यू में लगी पाबंदियों की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने भी ज्यादा मामलों वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का सुझाव दिया है। जोधपुर जिले के फलोदी सट्टा बाजार के बंगाल चुनाव पर रुझान आए हैं। जानकारी के अनुसार बंगाल चुनाव में फलोदी सट्टा के अनुसार भाजपा के 156 से 158 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 116 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा ने लगाया है। वहीं सीटों पर भावों में उतार चढ़ाव मतगणना तक जारी रहेगा। उदयपुर जिले के कुरापट थाना क्षेत्र के जावर माइंस थाना क्षेत्र में एक शादी पर कोरोना का ग्रहण लग गया। जानकारी के अनुसार जयसमंद पंचायत समिति की अमरपुरा ग्राम पंचायत के दुल्हे की बारात जावर जानी थी। ऐसे में दुल्हे की बिंदोली से पहले दुल्हे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, शादी कैंसिल हो गई। कोरोना संक्रमित दुल्हा एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव है। 11 आरएएस की सेवाएं जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है। क्रामिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार आरएएस रचना भाटिया, रानीदान बारेठ हनुमानगढ़, प्रहलाद सहाय और अजय पाली, राम खिलाड़ी मीना, संजय कुमार माथुर, प्रहलाद कुमार मीना स्वयमाधोपुर, अशोक कुमार चौधरी सावरमल रैगर बाड़मेर, कीर्ति के मीना करौली, राजेश सुवालका प्रतापगढ़ कलेक्टर को यह सेवा सौंपी गई है। उदयपुर जिले के गुगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र के तिरोल गांव के सेदराफला में एक व्यक्ति मोताराम गमेती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मोताराम पुत्र की मृत्यु व पत्नी के तलाक से मानसिक परेशान बताया जा रहा था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। भीलवाड़ा के बडलियास थाना क्षेत्र के पिथास गांव में शादी समारोह में महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शादी के बासण की रस्म में महिलाओं से मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में आरोपी पृथ्वी सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं कोटड़ी थाना क्षेत्र में भी हुई शादी में युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है। ट्रेनों में यात्री भार नहीं मिलने के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 ट्रेनों को अगली सूचना तक निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोटा मंदसौर, कोटा हिसार, कोटा श्री गंगानगर, झालावाड़ सिटी श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन को निरस्त किया गया है। यह ट्रेन आगामी आदेश तक निरस्त रहेगी। नमस्कार, कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से, आपका छोटा भाई, आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाए और बार बार अपने हाथों को धोए, ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।